हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने टेक्सोनोमी चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टेक्सोनोमिकल एड्स टेक्सोनोमिकल एड्स में मैंने आपको कई तरीके की टेक्सोनोमिकल एड्स बताए थे जैसे आपका हर्बेरियम होता है इसके बाद आपका म्यूज़ियम होता है जूलॉजिकल पार्कस होते हैं की होता है इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमन से रिलेटेड जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जुड़ी हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें मैंने आपको बताया था आईसीबीएन सी आपका प्लांट से रिलेटेड होता है प्लांट्स के नॉमिन के लिए होता है आई इंटरनेशनल कोड आई सी बी एन है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमन क्लेचर बॉटनी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स सेकेंड है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर जुआलॉजिकल नॉमिनक्चर जुआलॉजी आपका एनिमल से रिलेटेड है तो ये एनिमल्स के नॉमिनक्लेचर में काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन फिर है आपका आई सी एन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ये जितने भी हमारे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये उनसे रिलेटेड है और आपका आईसी टी वी ये आपका वायरसेस से रिलेटेड है जितने भी टाइप के वायरस हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं ये उन उनके नामनक्लेचर में आ, ये कमेटी काम करती है याद रहेगा आई सी बी एन इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामिनक्लेचर आईसी जेड एन इंटरनेशनल कोड फॉर जोआलॉजिकल नामिनक्लेचर आईसी एन बी इंटरनेशनल कोड ऑफ नामन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आई सी टी वी इंटरनेशनल कमिटी इट्स फुलफॉर्मेज इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनमी ऑफ वायरसेस इंटरनेशनल कमिटी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज़ कंपेयर टू जीनस मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था टैक्सा का ठीक है टेक्सोनोमी में हर एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ठीक है सबसे पहला मैंने आपको बताया था डोमेन होता है उसके बाद आपका आता है किंगडम देन फाइलम देन ऑर्डर सॉरी डोमेन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर देन फैमिली फैमिली जीनस एंड देन स्पीशीज तो ये उसका ऑर्डर होता है जो भी मैंने आपको टैक्सॉ जो टेक्सा थे लेवल्स जो थे जिनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ये वो टेक्सा थे अच्छा इनको याद करने का तरीका एक बार मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आपको याद रखने में हेल्प करेगा वो हमारा सबसे पहला जो था मैं डोमेन को अगर मैं छोड़ दूँ डोमेन क्योंकि डोमेन क्या है आप मैंने आपको बताया था या तो प्रो कैरिओटिक होता है या फिर यू कैरिओटिक होता है ठीक है प्रो कैरियाटिक ज़्यादातर आपके बैक्टीरियाज आते हैं और और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल प्लांट सेल्स हैं वो सारी आपकी यू कैरियाटिक में तो डोमेन आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ किंगडम होता है फाइलम होता है क्लास होता है ऑर्डर होता है फैमिली जीनस स्पीशीज इसको याद करने का तरीका किंग फिर क्लास में आया और फिल्मी गाने शुरू कर दिए ये एक आप याद कर ये एक तरीका आप याद कर सकते हो कि आपको ये ऑर्डर याद हो जाए क्योंकि ये ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है के से किंगडम होता है आपका पी से फाइलम होता है सी से क्लास होता है ओ से ऑर्डर होता है आपका एफ से फैमिली होता है जी से जीनस होता है एस से स्पीशीज़ होता है तो इसको आप याद कर सकते हो किंग फिर क्लास में आया और फिल्मी गाने शुरू कर दिए तो इससे आप एक तरह से याद करने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको याद कर सकते हैं अदरवाइज़ आप अपना खुद से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं इस ऑर्डर को लर्न करने का बट ये ऑर्डर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है राइट right? तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे दोबारा से विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल लेस जनरल मैंने आपको बताया था कि जब हम किंगडम से स्पीशीज मूव करते हैं तो हमारी स्पेसिफिसिटी बढ़ती है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं जब हम स्पीशीज तक पहुँचते हैं और ऑपोजिट क्या होगा अगर मैं ये कह रही हूँ कि किंगडम से स्पीशीज़ में आ रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो जनरल कैरेक्टर कम हो रहे हैं ना जनरल कैरेक्टर तो हम जनरल बात जो हम कर रहे हैं मतलब ये होता है कि जनरली जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जैसे हम मैंने बोला कि डाइजेशन तो डाइजेशन तो जनरली सभी एनिमल्स में प्रेजेंट है फोटोसिथेसिस मैंने बोला सभी प्लांट्स में प्रेजेंट है लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ मेमोरी ग्लैंड्स की तो मेमोरी ग्लैंड्स किस में पाए जाते हैं सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा मैं सिर्फ पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस ह्यूमंस में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे वो आपके दूसरे मैमल्स मैमल mammal आपके और क्या हैं काओ है बफेलो है डॉग है कैट है, है ये सभी मैमल हैं तो इनसे अलग हैं हमारे कैरेक्टर्स ठीक है और उनके कैरेक्टर ह्यूमन से अलग हैं तो क्या कह कहने का मतलब ये है कि जब हम जनरल uh, से स्पेसिफिक में आते हैं तो क्या होगा स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे ना तो किंगडम से जब हम स्पीशीज में आ रहे हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं ठीक है यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं और जनरल जो कैरेक्टर हैं वो आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे जब हम किंगडम से स्पीशीज़ में आते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तो इंक्रीज कर जाते हैं लेकिन जो जनरल कैरेक्टर हैं वो आपके डिक्रीज़ होते हैं वैसे ही जैसे हम उल्टा जाएंगे स्पीशीज से किंगडम जाएंगे तो यही चीज़ उल्टी हो जाएगी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपके जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे जस्ट इसी का ही उल्टा हो जाएगा ठीक है ना तो क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है कि जब आप इनमें से इन ऑप्शंस में से किस टेक्सा में आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो लेस जनरल हो जाते हैं बहुत लेस जनरल मतलब स्पेसिफिक ठीक है तो क्या है उसका आंसर आपका आंसर होगा स्पीशीज जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम किंगडम से स्पीशीज में आते हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं और लेस जनरल हो जाते हैं जनरल general, जनरलिटी जो होती है कैरेक्टर की वो कम हो जाती है ठीक है तो आंसर ऑफ़ फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीशीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट वीट के लिए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वीट का मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ यहाँ इस ऑप्शन में ये उसके टेक्सा का करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है कि क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या वीट के लिए तो जीनस क्या है उसकी ट्रिटिकम फैमिली पोएसी ये ग्रास की फैमिली होती है पोएसी ग्रास की फैमिली होती है ऑर्डर पोएल्स होता है और सॉरी यहाँ पे यह डायकॉटलिडनी नहीं होगा ये आपका वेट अ मिनट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर दिस इज नॉट करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार कंफर्म क्योंकि इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक है तो इसको मैं एक बार कंफर्म uh, कर लूंगी तो लेट्स लीव दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ज सेल रेगुलेट देयर सेल रेगुलेट देयर एक्टिविटी थ्रू सेल्स जो हैं इनमें से किस एक्टिविटी से किस मैथड से हम बोल सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है तो क्या ज़रूरी है उसके रेगुलेशन उसकी एक्टिविटीज़ के रेगुलेशन के लिए सेल की एक्टिविटीज़ की रेगुलेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तो दैट इज आप दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी अब कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी अगर किसी सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी अल्टीमेट जो चीज़ है किसी भी एक्टिविटी के लिए दैट इज एनर्जी एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल टू रेगुलेट इट्स एक्टिविटी फ्लो ऑफ मटीरियल फ़्लो ऑफ मटीरियल इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नो फ्लो ऑफ स्मोक ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट है ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है एनर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता अगर किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज़्म की डेथ हो जाती है तो उसका शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है क्यों क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी है ही नहीं अब ठीक है एनर्जी फ्लो ही नहीं कर रही है एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है तो हीट नहीं है तो वो सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल हमारी पूरी बॉडी के लिए फ्लो ऑफ एनर्जी तभी हमारी बॉडी काम करेगी अदरवाइज नहीं काम करेगी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज इनमें से किस कैटेगरी इनमें जो भी कैटेगरी है यहाँ पे स्पीशीज जीनस ऑर्डर टेक्सोन टेक्सोन तो आपका कोई ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है जो लेवल्स को हम डिफाइन करते हैं दैट इज टेक्सॉन तो इनमें से तो ये ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया ये तो आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से तो यहाँ पे बचे थ्री ऑप्शंस स्पीशीज जीनस ऑर्डर तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स ट्रेड्स मतलब ट्रेड्स कैरेक्टर ट्रेड्स आपके क्या है कैरेक्टर तो इनमें से किस किस कैटेगरी में आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर मिलते हैं तो वो क्या होगा आपका दैट इज स्पीशीज ठीक है एक स्पीशीज में एक पॉपुलेशन में आपको कैरेक्टर्स सेम मिलेंगे ना दो डिफरेंट स्पीशीज में तो आपको कैरेक्टर सेम नहीं मिलेंगे राइट right? दो डिफरेंट स्पीशीज में आपको कैरेक्टर्स सेम नहीं मिलेंगे अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक हमारी नॉर्मल ग्रास है जो हमारे लॉन में या ऐसी उग जाती है एक मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बैम्बू बैम्बू अब आप बोलोगे बैम्बू क्यों लिया ये बैम्बू भी आपकी ग्रास है लेकिन मैं अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों के कैरेक्टर्स में बैम्बू इज द लॉन्गेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड ये हमारे वर्ल्ड की हमा, आ, अर्थ की सबसे लॉन्गेस्ट ग्रास है राइट right? तो इन दोनों में बहुत अंतर है अगर हम ग्रास की ही बात करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रा, जो ग्रास स्मॉल ग्रास होती है तो उसमें क्या कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे ठीक है तो उसमें क्या होंगे कैरेक्टर्स सिमिलर और अगर मैं बैम्बू बैम्बू की ही बात करूंगी तो बैम्बू में ही जो प्लांट्स होंगे बैम्बू के वो क्या होंगे वो सिमिलर होंगे तो लेकिन आपस में क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. है तो दोनों ग्रासेस लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर है लेकिन अगर मैं इसी स्पीशीज़ की बात करूँ तो क्या होगा कैरेक्टर्स मुझे सेम मिलेंगे और बैम्बू की स्पीशीज़ की मैं बात करूँ तो इस इसके कैरेक्टर सेम मिलेंगे ठीक है तो स्पीशीज़ हमारा आंसर होगा स्पीशीज़ में हमें सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे आपके मेडिकल से रिलेटेड या uh, कोई भी अदर देन मेडिकल तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे इन क्वेश्चंस में क्या होता है इन क्वेश्चंस में एक एसर्शन दिया होता है स्टेटमेंट है ये और उसके लिए एक रीज़न दिया गया है कि आपको ये देखना होता है कि क्या इस स्टेटमेंट के लिए जो दिया हुआ रीज़न है वो करेक्ट है या नहीं है कुछ डायरेक्शंस ये आपकी डायरेक्शंस है आपको इसमें देखना है कि कौन सा आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या कह रहा है कि बोथ एसर्शन ए फॉर एसर्शन ए फॉर एसर्शन एंड आर फॉर रीजन बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर डज़ नॉट एक्सप्लेन ए वो कह रहा है कि है तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर स्टेटमेंट के लिए करेक्ट रीजन नहीं है कर, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं आपका assertion भी सही होता है और रीजन भी सही होता है लेकिन रीजन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टेटमेंट एसर्शन जो दिया है उसका एक रीजन होना चाहिए ठीक है ये ये वाला जो ऑप्शन तब सही होगा जब आपका स्टेटमेंट तो दोनों सही होंगे लेकिन रीजन आपका सही नहीं होगा स्टेटमेंट के लिए सेकेंड ऑप्शन आपका तब आंसर होगा जब आपके दोनों सही होंगे दोनों आपका एसर्शन भी और रीजन भी सही है लेकिन और आपका जो रीजन है वो ए एसर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट रीजन है ठीक है एसर्शन और रीज़न दोनों आपस में अलग अलग करेक्ट हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो उसको जो स्टेटमेंट दिया है असर्सन जो दिया है वो उसको वो उसके लिए परफेक्ट रीज़न है तब ये आपका आंसर ये होगा आपका सी ऑप्शन तब होगा जब दोनों ही करेक्ट नहीं होंगे ना ही असर्शन सही होगा ना ही आपका रीज़न सही होगा और डी ऑप्शन आपका तब आंसर होगा जब सिर्फ एसर्शन आपका सही है और आर आपका पूरा सेंटेंस ही गलत है राइट right? तो ये आपका डी ऑप्शन तब होगा अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा हमारा तो आपको थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगा एसर्शन क्या कहता है कि द बायोलॉजिकल स्पीशीज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट हेल्प अस टू आस्क हाउ स्पीशीज़ आर फॉर्म्ड जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो कंसेप्ट है वो हमें स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के बारे में बताता है ये आपका आपने लास्ट जो क्लास थी आपकी क्लास टेंथ उसमें जो एवोल्यूशन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर था वहाँ पे आपको स्पीशीज़ फॉर्मेशन के बारे में बतायागा तो ये स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं वो आपके स्पीशीज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है बिल्कुल सही ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये सर्शन सही है लेकिन रीज़न अब देख लेते हैं क्या रीज़न इसका सही है द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज फोकसेज आवर अटेंशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम्स अबाउट वो ये रीज़न ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो कंसेप्ट है ये हमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे आई ये उसका आंसर देता है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये रीज़न है ही नहीं इसका क्यों क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बायोलॉजिकल स्पीशीज़ से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है ठीक है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मैंने आपको ल, आ, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है कि वो स्पीशीज़ जो कुछ बैरियर्स की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं ठीक है थीके? तो वो क्या है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं आपस में है तो कैरेक्टर्स सिमिल कुछ हैं उनके लेकिन जो आपका कुछ डिफरेंसेस की वजह से कुछ बैरियर्स की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से वो क्या करती हैं वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं हालांकि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होती हैं वो क्या होती हैं वो इंटरब्रीड कर सकती हैं ईजीली राइट तो ये क्या है ये आपका ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कंसेप्ट है ये इसको ये इसका आंसर नहीं देता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे आया है ये नहीं बताता है तो ये जो रीज़न है आपका ये बिल्कुल क्या है रॉन्ग हो गया है आपका एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है लेकिन रीज़न क्या है ये करेक्ट नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमारा एसर्शन करेक्ट है और रीज़न गलत है तो क्या होगा हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका डी क्योंकि ए ट्रू है और आर इनकरेक्ट है तो आई होप ये ये टाइप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिश ये एक फिश का नाम है कतला कतला इसमें ये साइंटिफिक नेम है उसका कतला कतला ये जो फर्स्ट पार्ट है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकेंड पार्ट है ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नाउ द क्वेश्चन इज इन इन फिश कतला कतला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल टू द जेनरिक नेम एज यू कैन सी हेयर दोनों ही पार्ट जो हैं नेम के वो क्या है सेम है जीनस का भी और स्पीशीज का भी ये भी क्या है कतला कतला दोनों सेम है तो इस टाइप के नेमिंग को क्या कहा जाता है ये किसका एग्जाम्पल है ऑटोनिम टोटोनिम फाइलम स्पीशीज देखिए फाइलम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ना ही स्पीशीज का हम सिर्फ स्पीशीज़ के नाम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दोनों नाम है जीनस भी है और स्पीशीज भी है तो ये ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते अब आती है बात इन दोनों की इन दोनों में से क्या होगा जब हमारे साइंटिफिक नेम में दोनों पार्ट सेम होते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है टोटोनिम। टोटोनिम का मतलब होता है एक जैसा सिमिलर ठीक है टोटो का मतलब होता है सिमिलर तो टोटोनिम ये कंडीशन होती है जब आपका जेनरिक नेम जेनरिक पार्ट और स्पेसिफिक पार्ट नेम में साइंटिफिक नेम में सेम होते हैं जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं रैटस 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 ये किसका नाम है दिस इज रैट ये राट का साइंटिफिक नेम है तो यहां पे भी क्या है जेनरिक uh, uh, जीनस का जीनस वाला पार्ट और स्पेसिफिक जो नेम है आपका दे बोथ आर सेम इसके अलावा गोरेला गोरेला ये गोरेला का नाम है ठीक है तो दोनों ही जीनस जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों ही पार्ट आपके सिमिलर हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है टोटो का राइट तो ये एक टाइप होता है ये टेक्सोनोमी में ये कुछ टाइप होते हैं नेमिंग के तो इनको इन टर्म्स से इससे जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियस एवॉल्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर कॉल मैंने आपको बताया था कैरलस लीनियस ने एक टाइप का नॉमन क्लेचर दिया था सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर दिया था अब आप उसका नाम सोचिए और बताइए इन चारों ऑप्शंस में से क्या है मोनोमियल वर्निकुलर बायनोमियल पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख के आराम से पता चल जाएगा आपने तीन उनमें से पढ़े ही नहीं है कुछ ऐसा अभी तक जो मैंने आपको इस इन वीडियोस में बताया है उनमें से आपने तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है आपने सिर्फ एक पढ़ा है दैट इज़ बायनोमियल दैट इज बायनोमियल बायनॉमियल जिसमें जिसमें नेम में दो पार्ट होते हैं दैट इज बायनोमियल तो ये वाला जो टेक्निक था नॉमन क्लेचर का ये किसने दिया था ये कैरोलस लीनियस ने दिया था और लास्ट क्वेश्चन इज मेटाबोलिज्म इज मेटाबोलिज्म क्या है रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ़ एनर्जी गेन ऑफ एनर्जी रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी कैटाबॉलिज्म ऑफ अ रिएक्शन अब रिलीज ऑफ एनर्जी में सिर्फ एनर्जी रिलीज होने की बात हुई है गेन ऑफ एनर्जी में एनर्जी हम गेन कर रहे हैं किसी एक्टिविटी किसी रिएक्शन में एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी में तो वो एनर्जी लेने का काम थर्ड ऑप्शन है आपका रिलीज एंड गेन ऑफ एनर्जी दोनों काम है रिलीज़ भी हो रही है एनर्जी और जहाँ रिक्वायर्ड है एनर्जी वहाँ पे गेन भी हो रही है तो ये एक ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मींस इट इज़ ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग दैट इज कैटाबॉलिज्म द रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस दैट इज कैटाबॉलिज्म तो अब मेरे को बताइए कि मेटाबॉलिज्म इन में से कौन सा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं कैटाबॉलिक भी होता है एनाबॉलिक भी होता है अब आप देखोगे कि डी वाले में कैटाबॉलिक है लेकिन एनाबॉलिक तो है ही नहीं अच्छा सबसे पहली बात एनाबॉलिक क्या होता है कैटाबॉलिक तो मैंने बता दिया आपको कि ब्रेकडाउन एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन कैटाबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसमें ब्रेकडाउन होता है एनाबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है Catabolic Catabolic reaction Anabolic reaction Catabolic reaction. Anabolic reaction. Catabolic means breakdown. Anabolic means formation. कैटबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है किसी सब्सटेंस का और एनाबॉलिक वो रिएक्शन होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का जब ब्रेक होती है कोई चीज़ तो एनर्जी रिलीज होती है और जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इट्स लाइक दैट जैसे कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जब उनकी फ्रेंडशिप टूटती है तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा आप ये कने, आ, रिलेट कर सकते कि बहुत एनर्जी रिलीज़ हो रही है वहाँ पे बहुत झगड़ा हुआ उनके बीच में तो एनर्जी रिलीज़ हुई लेकिन जब उन्हें ये वो उन्हें रियलाइज़ होता है कि ठीक है यार गलती दोनों की थी तो हमें पैचअप कर लेना चाहिए तो वहाँ पे जब आप फ्रेंडशिप को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आप एफर्ट्स लगाएंगे तो क्या है आप एनर्जी देंगे वहाँ पे आप भी कोशिश करेंगे दूसरा भी कोशिश कर रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इस कैटाबॉलिज्म में जहाँ डाउन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रही है और जहाँ फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज़ का तो वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिलीज और गेन दोनों होता है एनर्जी का लास्ट ऑप्शन में सिर्फ कैटाबॉलिज्म की बात की गई है एनाबॉलिज्म की बात नहीं की अगर यहां पे एनाबॉलिज्म लिखा होता और यहां ऑप्शन यह कुछ और होता तो आपका डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाता अगर यहां पे एनाबॉलिज्म मेंशन होता क्योंकि यहां पे सिर्फ कैटाबॉलिज्म की बात की गई है तो दिस दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज सी रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी राइट तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैंने इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं तो आप इनको क्वेश्चंस को लिख लेंगे कहीं पर नोट no डाउन कर सकते हैं तो ये आप ही कोई हेल्प करेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू